सबको पता है कि भारत रूस जैसे देशों से हर दिन करोड़ों लीटर कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर इस तेल को भारत कैसे लाया जाता है? क्योंकि रूस से भारत के बीच कोई पाइपलाइन तो है नहीं जिससे ये तेल आ सके, और ना ही कच्चे तेल को एरोप्लेन से लाया जा सकता है। तो आखिर ये भारत कैसे पहुंचता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत इराक और सऊदी अरब जैसे देशों को छोड़कर रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है, और आपको जानकर हैरानी हुई कि इन दिनों भारत ने हर दिन रूस से 20 करोड़ लीटर से भी ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है। तो दोस्तों, इस तेल को लाने के लिए ऑयल टैंकर शिप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बार में हजारों टन तेल भरा जा सकता है। ये सारा तेल गुजरात के बंदरगाह पर लाकर पाइप से जामनगर रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल की रिफाइनरी है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।